तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। एक्सरे डिफ्रैक्शन सबसे पहले दिया था जर्मन के साइंटिस्ट थे एम वन लुई, 1913 में इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो इसके डिफिनेशन से इसे स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी डिफिनीशन। देखिए क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टू डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल एज वेल एज स्टडी ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। तो इसका क्या मतलब हुआ है, एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से जो हम हैं स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं और डायमेंशन ऑफ क्रिस्टल और इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी को भी। तो फिर अभी देखते हैं हम ब्रैग्स लॉ जो कि इसी पर बेस्ड है। ब्रैग्स लॉ की अगर कोई डेफिनेशन पूछे उसके अंदर यही ही आ जाएगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था और ब्रैग्स में इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसको NaCl पर इस पर एक क्रिस्टल पर एक्सपेरिमेंट करके इसको वेरीफाई किया था। ब्रैग्स ने इनका पूरा नाम है WH ब्रैग। यहाँ पर मैं एक फिगर दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा WH ब्रैग और WL ब्रैग का, आप देख लीजिएगा। तो इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी। तो इन दोनों ने मिलकर WH ब्रैग एंड इसके अपने बेटे के साथ मिलकर WL ब्रैग दोनों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया 1913 में। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर ये एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेसफुल हुआ। इन्हें 1914 या फिर 1915 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। कहीं कहीं जगहों पर 1914 है तो कहीं कहीं पर 1915 है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। बुक में मुझे ये मिला, इंटरनेट पे सर्च करा तो ये मिला, मैंने दोनों बता दिया, जहाँ पर होगा जैसा होगा आप देख लीजिए। तो आप देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ, इसके लिए हमें एक फिगर ड्रॉ करना होगा। तो आप देखिए, ये हमारा एक क्रिस्टल प्लेन है। अब देखिए, ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल वाली है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल प्लेन है जिसके बीच की डिस्टेंस डी है, और यहाँ पर हमारे पास ये
रेडिएशन पड़ रही है, एक्सरे, ये वाली वन मान लीजिए और ये वाली टू, ये यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और यहाँ वाली रिफ्लेक्ट। तो हमारी एक्सरे यहाँ से इस मेटल सरफेस पर पड़ रही है, यहाँ से अब्जॉर्ब हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब हम दूसरी वाली एक्सरे को देखें तो यहाँ से ये अंदर से होते हुए इस पर आ रही है, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अगर हम दोनों रे को एक साथ पास करें तो ये वाली देखो मेटल सरफेस पर टच हो जाएगी ये वाली, लेकिन ये वाली नहीं टच होगी। तो ये वाली रिफ्लेक्टर लाइन जो है इससे हम एक प्लेन इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और फिर ये वाली डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली रिफ्लेक्टर लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इस वाली रिफ्लेक्टर लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि दो रे अगर हमारे साथ यहाँ से साथ में चले, यहाँ से ये मेटल सरफेस पर ये टच हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचेगी, और जब ये यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ये इतने डिस्टेंस कवर करेगी, फिर इतनी करेगी, फिर जाकर इसके बराबर पहुँचकर यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट होगी। इसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसके पाथ में कितना डिफरेंस हो रहा है, ये पाथ डिफरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उसके लिए अभी देखिए उसको बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले देखिए ये इसके पास ये जो एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो इंसिडेंट हो रही है वो एंगल है थीटा, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी है थीटा, और यहाँ से ये नॉर्मल बीच में मैंने ड्रा किया है, और यहाँ इसके बीच का एंगल है ये इंसिडेंट एंगल आई, और ये इसके रिफ्लेक्ट का जो एंगल हो रहा है वो आर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रा किया है इसका नाम दे देते हैं ए, और ये यहाँ पर जो दूसरा परपेंडिकुलर है इसका नाम बी, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं ओ, और इस पॉइंट का नाम देते हैं एन, इस वाले का नाम देते हैं यक्स, इसका दे देते हैं वाई, इसका दे दें एम, एन हो गया, यहाँ पर पी दे देते हैं, इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी, ये अभी जब डेरिवेशन करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, अभी ड्रेवेशन में ये क्लियर हो जाएगा। अब ये पाथ डिफरेंस जो हमारे पास है, पाथ डिफरेंस पाथ रेफरेंस के लिए हमें एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। पाथ रेफरेंस इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ। ये हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव के लिए, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा हमारा एन स्मॉल एन, और वेव लेंथ हो जाएगी हमारी लैम्डा, ये इज इक्वल टू है पाथ फॉर कंस्ट्रक्टिव। और हमारा डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, ये एन लैम्डा है वो हो जाएगा एन लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस। अब बात करते हैं हम इस ट्रायंगल की, ये ओ ये एंगल नहीं है ये ओ, और यहाँ पर भी इसके एंगल अंदर वाला जो एंगल है ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा। अब बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल की, ओ ए एन, ओ एन को निकाल यहाँ पर अगर बनाऊँ ये ओ ए और ये और ये, ओ ए हमारा हो जाएगा बेस और ओ एन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये ए एन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ओ एन हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, हमारा ओ ए ये वाला एन, ये एंगल थीटा। अभी तक मैं इसको हिंदी में बताते हुए आ रहा हूँ कि ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, अभी अभी इसको इंग्लिश में समझिए, हाइपोटेन्यूज इसको, परपेंडिकुलर कह देंगे, ये होती है बेस। फिलहाल हमें इन दोनों का चाहिए, इन दोनों से हमें रिलेशन निकालना है, हमें
यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा साइन का, तो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ए ओ एन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए एन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा ओ एन, ओ एन ये हमारा ओ, ये एन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है डी, तो ओ एन को हम डी रख देते हैं, ऊपर रहेगा ए एन, नीचे हो जाएगा डी, और ये हमारे पास साइन थीटा, अब ए एन हम हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा डी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी साइन थीटा, इस मान लेते हैं वन, इस वाले इक्वेशन को मानते हैं वन, इसको मानते हैं टू। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की, ओ एन बी इन ट्रायंगल, इसको अगर बाहर निकाल के बनाए हम तो हमारा बेस ये वाला ओ बी, ये ओ, ये बी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी एन और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा ओ एन, ये एंगल थीटा, और इसमें भी अगर हम लगाएं वही साइन थीटा वाला फार्मूला, ये अपान ये बी एन अपान ओ एन, तो ओ एन तो हमें पता है ना डी, बी एन बाई डी, डी इधर मल्टीप्लाई तो बी एन की वैल्यू क्या जाएगी, बी एन डी साइन थीटा, ये हमारा जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री, ये हो गया हमारे पास बी एन इज इक्वल टू साइन थीटा, ए एन इज इक्वल टू साइन डी साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, ए एन और बी एन, ये ए एन और ये बी एन, ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई, ये जो दोनों डिस्टेंस बराबर थी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई, ये दोनों डिस्टेंस क्या थी, पास डिफरेंस, तो पास डिफरेंस हमारा हो जाएगा ए एन प्लस एन बी, यहाँ पर जो हमारा पास डिफरेंस ये लैम्डा है, इसमें अगर हम वही रख दें, अगर हम ये एन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ तो हो गया हमारा पुरानी क्वेश्चन वन से, पुरानी क्वेश्चन वन से अभी हमें और क्या मिलेगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, ए एन और एन बी दोनों बराबर है, और दोनों का इसी में पाथ डिफरेंस हमारा यही है ना, ए एन प्लस एन बी कर देंगे, ए एन प्लस एन बी, इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं, तो अब ए एन हमारे पास यहाँ पर है, बी एन यहाँ पर है, ए एन बी एन दोनों को उठाकर इसी में रख देते हैं, तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन टू, क्या मिल जाएगा हमें, एल लैम्डा इज इक्वल टू ये डी साइन थीटा, ये भी डी साइन थीटा, हो जाएगा टू डी साइन थीटा, हो गया हमारे पास यही एल लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इस इक्वेशन को कहा जाता है ब्रैग्स इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन, तो जो हमारा फार्मूला आया था 2d sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया है वहाँ पर जहाँ नहीं थी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो यहाँ पर d हमारे पास क्या है, वो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, कितना हमारा गैलेक्सी एंगल, जिन जो हमारा इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू होगी और ये होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन,
ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन का मतलब अगर आप यहाँ से देखना चाहें, अगर एन की वैल्यू 1, 2, 3 होगी तो 1 होगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक, 2 होगी तो सेकंड ऑर्डर होगा, 3 होगी तो थर्ड ऑर्डर होगा। या तो फिर हमें क्वेश्चन में दिया हो फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम 1 लेंगे, अगर सेकंड ऑर्डर दिया होगा तो हम 2 लेंगे, और थर्ड ऑर्डर दिया होगा तो हम 3 लेंगे। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन एन एटम एट एंगल ऑफ 90, द व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम जो है ना, तो अभी देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट क्या क्या हमें दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ दी है, ये वाला हो जाएगी लैम्डा हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम, इंसिडेंस एंगल हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, शुड बी व्हाट शुड बी डी की वैल्यू पूछ रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए कह रहा है, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1। तो हमारे पास फार्मूला क्या है भाई, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2 × d, डी हमें निकालना है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 इज इक्वल टू एन कितना है 1, लैम्डा 100, बस सबको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2d × sin 90 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा 2d, अगर d इज इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा 100/2, और ये 100 एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम, और जब ये कट होगा 50, यहाँ से हो जाएगा d इज इक्वल टू 50 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में हमें क्या दिया है, 30 एंगस्ट्रॉम, 40 एंगस्ट्रॉम, 50, 60, हमारे पास 50, ये 50 वाला पे हम टिक करेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, देन द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू द डी 2d डिवाइड 2 डिवाइड 3, एंगल दिए हमारा सॉल्यूशन, क्या कह दिया हमें, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेवलेंथ हमारी पूछ रहा है कि 2d के बराबर होगी, d के बराबर, या d/2 या d/3 के बराबर, तो वेवलेंथ हमें पूछ रहा है d हमारी उसके बराबर होगी वेवलेंथ के, और हमें फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम दिया, तो n इज इक्वल टू 1, फार्मूले बराबर है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो 2d के d हमारा वेवलेंथ के बराबर आएगा, d और sin थीटा 30 इक्वल टू एन आया हमारा 1, वेवलेंथ हमें निकालना है, तो ये हो जाएगी 2d × sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू लैम्डा, ये हो जाएगा हमारा, तो लैम्डा इक्वल टू ये d है पहला वाला, तो ये हमारा पहला वाला था सही है। और ये तीसरा यहाँ क्वेश्चन आपके लिए, ब्रैग्स लॉ प्रपोज्ड इन 1903, 1913, 1853, 1893, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ। तो मैंने यहाँ पर दो एप्लीकेशन लिख दिए हैं, इन यक्स रे डिफ्रैक्शन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यक्स आर डी, दी इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, दी इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी ऑफ क्रिस्टल इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन पर्पज। तो इसका मतलब है कि इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है हमारी, उसका यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, या फिर उसका करेक्टराइजेशन पर्पज़ के लिए। इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है अभी, ये उसकी बात हो रही है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में इसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या फिर करेक्टराइजेशन करने के लिए। और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉल्विंग ब्रैग्स इक्वेशन गिव दी
डी स्पेसिंग बिटवीन द प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमने अभी इसका डेरिवेशन किया था तो इसके बीच में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के बारे में देखा था, लेकिन हमने इसको कंस्ट्रक्टिव के लिए किया था क्योंकि ये उसी का एप्लीकेशन है, ये उसी पर बेस्ड है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।